भाई। और ये लोड ना अपने को सोनू तिवारी ब्लॉग वाले भाई है, उन्होंने दिलाया है, तो चलो। आग लगी हुई है। आग लगी हुई पहले अपना क्या रहता है, चलने से पहले डीजल लेना होता है, जो कि अभी हमारी गाड़ी में कम है, तो सबसे पहले जाके अपना डीजल लेंगे, वहाँ पहुँचने तक का ले लेंगे, मुंबई पहुँचने तक का ही। और उसके बाद देखना पड़ता है अपने फास्टैग में पैसे है या नहीं है, अभी वो भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वे सारी प्रिपरेशन करने के बाद ही हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। छूट गया कहीं रास्ते में, ये परांदा जो बांधा हुआ था ना भाई, 1200 का नुकसान हो गया। देख लो हमको मतलब कितना आसानी से इसको पलटी कर रहे हैं। आप कितनी मतलब इसकी अपनी आपकी दुर्दशा हुई है वहाँ फैक्ट्री में भरने को इसको यार। और एक बात उन भाइयों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, कोई कनाडा में, कोई इंग्लैंड में, कोई कहाँ, भाइयों जो अपने ट्रक ड्राइवर है, बेशक उनकी ज़िंदगी भाई हर कुछ है बार, लेकिन ये मज़े नहीं है ना जो हम देखो ढाबे पर गाड़ी लगा के अपना मस्त होटल में जाएंगे, खाना खाने ऑर्डर करेंगे, वो सब चीज़ें भाई बाहर नहीं है कहीं ना। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। तो दोस्तों कैसे हो आप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हेमराज, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रक हीरो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं अभी खड़ा हूँ सूरत और हजीरा के बीच में। यहाँ से हजीरा 8-9 किलोमीटर है, तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा सूरत मंडी में खाली करके हम सीधा हजीरा आ गए थे। तो यहाँ किस लिए आए थे मैं आपको बता दूं भाई, हम आए थे गाड़ी लोड करने के लिए, और यहाँ से हमने गाड़ी लोड करनी है भाई बॉम्बे के लिए। तो मुंबई का माल मिला है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, बॉम्बे को तो जा रहे थे मटर लेके, लेकिन व्यापारी ने भाई सूरत में ही खाली करवा दी, तो भाड़ा भी बहुत ज़्यादा कम दिया, इसीलिए भाई अब अपना सफ़र मैं कहा बॉम्बे तक करेंगे, तो भाड़ा भी अपना यहाँ से जो भाड़ा मिलेगा तो उसमें बराबर बराबर हो जाएगा सिस्टम। तो इसीलिए भाई यहाँ आए हैं, अब लोड कर रहे हैं भाई। और ये लोड ना अपने को सोनू तिवारी ब्लॉग वाले भाई है, उन्होंने दिलाया है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ भाई क्या लोड करने आए हैं, चलिए। तो दोस्तों हो गया है लोडिंग वगैरह शुरू हो गया है, इस गाड़ी से माल पलटी करने लगे हैं। और ये जहाँ से माल आया है ना भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे से बहुत भाई पूछते हैं कि भाई आप भी ऐसे सूखे माल में क्यों नहीं चलते हो भाई, इसको माल को जो भरा है ना उस्ताद ने, मैं आपको भाई के मुंह से कलवा देता हूँ, इतना झंझट होता है इस माल को भरने में, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री से लाए होंगे कहीं से लोड करके, तो वहाँ प्रोसेस ऐसा रहता है ना भाई, कोई ना कोई बंदा मतलब परेशान हो जाता है वहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ भाई कैसा कैसा प्रोसेस रहता है इसका फैक्ट्री से भरने का। वहाँ जाने के बाद पहले तो यहाँ पार्किंग में गाड़ी साइड में खड़ी करो, उसके बाद पार्किंग पोती कटाओ, उसके बाद फिर लाइन में लगो, लाइन में लगने के बाद रिपोर्टिंग कराओ, जब आपका नंबर आएगा तो जूता हेलमेट के साथ, फिर गेट पे जाओ, गेट पे गाड़ी खड़ी करो, करके उसके बाद आउट करवाओ, आउट करवाने के बाद फिर जाओ पार्किंग में। अच्छा, गाड़ी भरने के बाद फिर पार्किंग में खड़ी करनी है। यहाँ से पार्किंग से जाओ फिर कंपनी में, वहाँ TPSN कराओ, TPSN कराने के बाद फिर गेट पे एंट्री कराओ, एंट्री करवाने के बाद फिर अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद फिर कांटा करो, फिर पॉइंट पे गाड़ी लगाओ, गाड़ी खड़ी करो, उसके बाद ओटी लगाओ। अच्छा, ओटी लगाने के बाद ओटी मतलब जो गुटका रहता है गाड़ी में, स्टॉपर बोलते हैं जो टायर के आगे लगता है, उसको लगाने के बाद फिर पेपर लेके जाओ ऑफिस में, ऑफिस में जमा करो, वो आपको जब बुलाएगा तो गाड़ी लेके जाने का पॉइंट पे लगेगा, मतलब DO आएगा आपका भरने के लिए, तो लगेगी वहाँ, लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद फिर गाड़ी लेके आओ पार्किंग में, रस्सा तिरपाल करवाओ। अच्छा, हाँ, फिर वापस घुमा के पार्किंग में डालो, फिर जाओ पेपर जब बन गया पेपर, फिर वापस लेके आओ, उसके बाद कांटा करो, कांटा करने के बाद फिर आउट कराओ, तो गाड़ी बाहर निकालो। अरे यार, मतलब इस सब में करने में कितना टाइम चल जाता है, इतना पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन जाम लगा रहता है। अच्छा, तो सिर दर्दी हो जाती होगी यार, पूरा दिमाग फोन जमा रहता है, फोन भी नहीं जाने देते अंदर। नहीं, हाँ यही वजह है भाई, देखो कई कंपनियों का ऐसे नोटिफिकेशन होती दी हुई, इन्होंने देखो फोन नहीं जाने देंगे अंदर, भाई बोरे अब हेलमेट जूता मतलब सिर्फ सिक्योरिटी परपज से, लेकिन यार अपने को आदत नहीं है, मैंने 8-9 साल पहले ये चीज़ झेली है, अब अपने को आदत नहीं है, इसीलिए आज भी जो ये माल हम लोड कर रहे हैं ना, मेरे को इससे पहले 2-3 लोड और मिले थे, बोल रहे थे भी कंपनी से भरना, मैं कहा नहीं, अपने को भरने का ही ऐसा माल है जिसमें कोई लफड़ा नहीं होएगा। अब अपने बढ़िया पार्किंग में आ गए हैं, माल पलटी कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, देख लो हमको मतलब कितना आसानी से इसको पलटी कर रहे हैं। आप कितनी मतलब इसकी अपनी आपकी दुर्दशा हुई है वहाँ फैक्ट्री में भरने को इसको यार, सही। और 10 टन माल है आपकी पूरी गाड़ी में। हाँ, 10 टन। चलो ठीक है भाई, करवा लेते हैं गाड़ी लोड। तो ये रीजन था, इसीलिए भाई मेरे को सूखे माल में चलना पसंद ही नहीं है यार। अब अपना सब्जी का काम सही है, कोई फैक्ट्री का सिस्टम ही नहीं है, जाओ माल लोड करो और खाली करो। और तो चलिए हम भी भाई फटाफट लोड करवाते हैं इसको, लोड करने के बाद ये माल हमारे को देखते हैं कौन सी जगह ले जाना है मुंबई में।
तो यहाँ भाई गाड़ी लगी हुई थी, इस गाड़ी से माल पलटी कर लिया उन्होंने जो ये खड़ी है गाड़ी। और ये भाई अपनी गाड़ी में लोड हुआ है माल, ये है भाई पाउडर के बैग है इसमें, ये नहीं पता कौन सा पाउडर है, बस ये हो गया वाल लोड कंप्लीट। और अभी इसमें डाला मारना है भाई, पीछे करो भाई बंद करो इसको डाले को। और इसमें वैसे तिरपाल डालने की जरूरत है नहीं वैसे, क्यों यहाँ कौन सा बारिश हो रही है, इसको ऐसे ही ले जाएंगे, पीछे फट्टे तो हमने लगा दिए हुए, ऐसे ही कर देते हैं इसको बंद। और भाई अब जिसका माल है ये, वो अब वो बोल रहा है, कहता भाई मैं बिल लेके आता हूँ, अभी बिल वगैरह मिले नहीं है हमारे को, बिल लेके आ रहा है तो बस बिल लेके सीधा निकल जाएंगे मुंबई के लिए। और अभी हमारे को ये भी नहीं पता है अभी मुंबई में कहाँ का माल है, कौन सी जगह है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस फिलहाल के लिए तो ऐसा था, अभी लोडिंग हो गई है टाइम से, इस गाड़ी से माल पलटी किया हमने, ये फैक्ट्री में जाने से तो बढ़िया ही है यार, अब जाके निकलना है मुंबई के लिए, सुबह बस खाली करनी है, किसी भी हाल में खाली हो जाए। बोल तो रहा है व्यापारी, कहते भाई आपका जो माल है अभी खाली हो जाएगा, एमरजेंसी माल है अभी, कहते अर्जेंट, अब बोलते तो सभी है ऐसा, बाकी पता नहीं अब क्या ही होगा। चलो उसको जैसे ही बिल लेके आता है, बिल वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों निकल गए हम लोड करके, बिल वगैरह मिल गया हमारे को, और उन जगह आती है वहां आके पहुंच गया हूँ भाई। रोड सीधा हमारे को ले जाएगा पलसाना चौकड़ी, और ये सीधा रास्ता आके फिर ब्यारा वगैरह दुलिया के लिए निकल जाता है, हजीरा से आ रहा है जो रोड वो वाला रास्ता है ये। और अब भाई भूख भी लग रही है, खाना खाना है, और बाहर मैं रोड पे ही मिलेगा होटल, क्यों कुलदीप इधर तो कोई है नहीं, अगर मिल जाता तो इधर ही रुक जाएंगे, या बाकी देखेंगे कहाँ मिलता है। चलो ये बढ़िया हो गया, टाइम से लोड हो गई गाड़ी और टाइम से निकल गए, नहीं तो कई जगह दिक्कत हो जाती है, शाम हो जाती है, बस सही हो गया। हाँ टाइम से लोड हो गई, निकल भी गई गाड़ी। और हाँ कहाँ का माल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहले हम बाहर मिलते हैं जाके, मैन रोड पे जाके, जो अपना रोड है मुंबई वाला, अभी पता नहीं कितना होगा यहाँ से। और गाइज मेन रोड पे आके पहुंच गए हम, वो मेरे सामने देख लो आप, ओवर ब्रिज पे जो गाड़ियां चल रही है ना, ये रोड है अपना बड़ौदा अहमदाबाद मुंबई वाला। तो इसके रोड पे चढ़ने से जस्ट पहले यहाँ देख होटल संतोष, यहाँ आके लिए ब्रेक। चल आ जा कुलदीप भाई, अभी खींच के भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो तो पहले खा के आते हैं कुछ यार, आ जाओ करो गाड़ी लॉक यहाँ पर जाके ना, पहले खाते हैं। चलो जी भाई आ गया है खाना, मतलब हम ही ऐसे होंगे यहाँ पर ग्राहक जो इस टाइम खाना खा रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं, मेरे को नहीं यकीन था इस टाइम यहाँ मिल भी जाएगा कि नहीं, मगर अभी खाना मिल गया भाई, चना मसाला खा रहे हैं। डालो कुलदीप भाई थाली में, खा लेते हैं, छाछ भी मंगाई है मैंने, छाछ आ रही है, छाछ भी पी लेते हैं, आ गई भाई छाछ, चलो डालो। तो दोस्तों खाना खा के आ गए हुए थे हम, और अभी टाइम बज रहे हैं रात के 9, 3 घंटे हो गए हमारे को यहाँ। तो थोड़ा मेरा काम था एडिटिंग वगैरह का, वो सब ख़त्म किया, बस अब सोच रहा हूँ भी अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी तक हम इसलिए नहीं गए, हम 3 घंटे इसलिए रुके, 6, 7, 8, 9 बजे तक इतना ट्रैफिक रहता है इस रोड में, आपको भी मालूम है। अभी रोड पर दिख रहा है थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ, देखो एक गाड़ी गई और उसके बाद अभी कोई गाड़ी नहीं आई, तो अब सही है, मैं क्या अब निकलते हैं यार, ट्रैफिक में तो दिक्कत ही रहती है आप सबको पता है, परेशान हो जाते हैं। और गाज जैसे सूखा माल भरा है तो आराम आराम से जाएंगे, यहाँ से सारा सफर ही हमारा 200 से 250 किलोमीटर है, और सुबह पहुँचना है हमारे को 9 बजे के बाद ही गाड़ी खाली होएगी। तो ओ अब मैं आपको बता दूँ, जैसे अब मैं कहीं के लिए ट्रिप शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या रहता है, चलने से पहले डीजल लेना होता है, जो कि अभी हमारी गाड़ी में कम है, तो सबसे पहले जाके अपना डीजल लेंगे, वहाँ पहुँचने तक का ले लेंगे, मुंबई पहुँचने तक का ही, और उसके बाद देखना पड़ता है अपने फास्टैग में पैसे है या नहीं है, अभी वो भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वे सारी प्रिपरेशन करने के बाद ही हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो बस अब सबसे पहले क्या करते हैं, फास्टैग में रिचार्ज करते हैं, डीजल वगैरह तो हम आगे ले लेंगे कहीं पेट्रोल पम्प में। तो फिलहाल अब यहाँ से निकालते हैं गाड़ी, 9 बज गए हैं 9:30, तो चलो करते हैं भाई अपना सफ़र शुरू, लेके प्रभु श्री राम जी का नाम। आप भी प्रार्थना करना रास्ते में दिक्कत परेशानी ना आए, सही सलामत हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। चलें कुलदीप भाई फिर, चलो दे चाबी, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, निकलते हैं फिर धीरे धीरे।
चलिए जी मैं मारता हूँ सेल्फ, निकालते हैं यहाँ से गाड़ी। तो गाइस पेट्रोल पंप पे आ गए हुए हम, लगे अब अपनी गाड़ी में डीजल लेने। तो मैं सोच रहा हूँ मैं का 9-10 हज़ार रुपये का डलवा देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर यार ना डर भी रहता है जब अपनी टैंक फुल होता है तो बंदा सो नहीं सकता है, मतलब चैन से, आपको पता घर से बाहर होते हैं, अब कहाँ पर क्या पता है किसका मन में क्या आ जाए, तो इसीलिए अपना भाई खुद से सेफ रहना पड़ता है। बॉम्बे पहुँचने को लगना हमारे को 4-5 हज़ार का डीजल है यहाँ से, तो मैं कहा लेके इतना ही रखेंगे 9-10 हज़ार रुपये का। तो ठीक है दोस्तों, करवाते हैं टैंक फुल। चलो जी डाल दो। और आज डीजल का रेट है भाई 92.79 और डेंसिटी 822 प्लस ही है, और साथ में देख रहे हमने ना तिरपाल तक नहीं डाला हुआ, ऐसे ही लेके जा रहे हैं इसको, तिरपाल हमने डाला नहीं। बाकी माल आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार क्या है, क्योंकि बारिश का तो खैर सीन है नहीं ना इधर, बारिश का तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भरा हुआ हमने गाड़ी में, ये यहाँ तक है बैग भाई, ये प्लास्टिक के नहीं है, ये कोई दूसरा ही प्लास्टिक फॉर्म में नहीं है, ये आई थिंक जैसे क्राफ्ट बॉक्स है कोई ये, और एक अपना क्या बोलते हैं छूट गया कहीं रास्ते में, ये परांदा जो बांधा हुआ था ना भाई, 1200 का नुकसान हो गया। चलो क्या करना, और गिरने वाला ही था, मेरे को पहले पता था। आपको ना वो ब्लॉग में देखना जो जिस दिन हम सब्जी भर के जा रहे थे तो नडियाद वाले रास्ते में नहीं गए हम, उस दिन मैं कुलदीप भाई को बोल रहा था, मैं कहा इसको बांधो, और भाई ने बांधा भी था थोड़ा सा, उसके बाद वो पीले चक्कर गिर गया कहीं दिल्ली में, या निकाल लिया किसी ने या गिर गया, अब कोई पता नहीं है। चलो डीजल डालते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से फटफट। यहाँ पर तो यहाँ मिलेगी शायद, नहीं हाँ कर रहा है मन पीने का, चल पी लेते हैं ऐसे भी, क्योंकि फिर ऐसा ना महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके देखते हैं आगे। तो बॉयज अभी हम पहुंच गए हैं आके वापी, टोल प्लाजा क्रॉस किया है, यहाँ एक वो है अमूल की स्टाल सा है, यहाँ ना वो मिलती है छाछ लस्सी काफी अच्छी, तुम कुलदीप भाई बोल रहा क्या था पी लेते हैं, मैं कहा चल ले ले भाई पी लेते हैं, पहले गाड़ी लगाता हूँ जरा साइड में। लो भाई जाके आओ आप आराम से उतरो। तो अभी प्रोग्राम है भाई ऐसा, अब देखो खाना तो हमने 5:30 बजे खाया था, ठीक है तो भूख अभी है नहीं, अब हम सोच रहे ऐसा अभी कंटिन्यू सफर करेंगे, एक बार महाराष्ट्र बॉर्डर पार हो जाएगा ना तो चारोटी में जो होटल है अपना शेरे पंजाब वहां तक पहुंच जाएंगे। तो अभी जैसे 11:30 हो रहे हैं तो 1 बजे तक आई थिंक हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर वहीं पर खाना खा के फिर सुबह वहां से निकलेंगे, सो के उठ के 6 बजे या 6:30 बजे जितने बजे भी सुबह उठेंगे, क्योंकि आगे का सफर 2-3 घंटे का ही है, पहुंचना ऐसे भी हमारे को 9-10 बजे ही है, तो ऐसा कर लेंगे ठीक नहीं। बाकी चलो लस्सी लेके आ रहा भाई, लस्सी पीते हैं, सब्जी करते हैं, ले आए भाई वही वाली है ना जो उस दिन पी थी हमने, वही है अमूल की। चलो भाई करते हैं इसको एंजॉय, निकलते हैं यहाँ से। तो ये मस्त है भाई, मस्त है, ये अमूल की है, अमूल मस्ती बटर मिल्क भाई बहुत कैंट है, अप्रतिम अप्रतिम। ये जो बॉर्डर आ रहा ना सामने, ये है भाई बिलाल बॉर्डर। कुलदीप भाई पहले इतनी दिक्कत आती थी ना इस बॉर्डर पे, मतलब पूछ ना तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार तो खैर चलता ही हो तो आपको पता ही है चेक पोस्ट पे, लेकिन जाम अलग से लगता था, परेशानी अलग से होती थी, और एक ये बॉर्डर और एक वो शामला जी होता था बॉर्डर, ये दोनों, ये तो बढ़िया हुआ भाई जब से बंद हुए है ना तब से सुख हो गया यहाँ पर, नहीं तो भाई फुल चरम पे चलते थे यहाँ पे भ्रष्टाचारी। मैं 2012 में आया था पहली बार, मेरे को पता है उस टाइम हम कैसे निकले थे यहाँ से, कनेक्टरी में आया था मैं उस टाइम, तो 5,000 रुपये लगे थे हमारे पिछले बॉर्डर पे और 2,000 यहाँ,
तो अब तो जब से बंद है तब से बढ़िया है भाई, ये भिलाड़ वाला बॉर्डर है भाई, ये गुजरात में पड़ता है। अगर आप लोग भी भाई उस टाइम चलते थे तो आपको भी परेशानी होती होगी शायद, जो जो उस टाइम चलते थे भाई कमेंट करना जरूर, जरा आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता था सेम भिलाड़ बॉर्डर पे या नहीं, कमेंट जरूर कर देना। 40 मिनट हो गए भाई साहब, लेकिन जाम लगा पड़ा है अभी, आगे देख रहे आप, पीछे तो खैर है ही है लेकिन आगे भी है। बोल रहा था मैं आपको कि भी 1 बजे होटल पहुंच जाएंगे, कहाँ अभी तो बॉर्डर ही क्रॉस नहीं हुआ भाई, जाम बहुत था आज भी, पीछे तक लगा था कम से कम भी मेन रोड में 2-3 किलोमीटर पीछे तक लगा था जाम। चलो देखते हैं और कितना टाइम लगता है, 1:11 हो गए हमारे को इधर ही बॉर्डर भाई। चलो भाई फटफट चलो यार, इतने में साथ साथ में रामायण चल रही है भाई। भाई बॉर्डर पार कर लिया है, पार करने के बाद अब आगे पहुंच गया भाई होटल शेरे पंजाब चारोटी, गाड़ी लगाने का देख रहे कहाँ लगाएं भाई, किधर लगाएं गाड़ी। चलो जरा मैं गाड़ी लगाता हूँ, गाड़ी लगा के मिलते हैं आपसे, 2 बजने वाले हैं भाई, 2 बजे पहुंचे हम यहाँ। आ जाओ तो भाई, करो लॉक गाड़ी को। तो लो जी यहाँ लगा दी हमने अपनी गाड़ी, यहाँ बढ़िया लाइट भी है क्योंकि आपको पता त्रिपाल भी नहीं हमने डाला, माल ऐसे ही है ओपन है क्योंकि डर भी रहता है यार कोई कट्टा ही उठा ले गया 1-2। चलो यहाँ तो अपना होटल है, डर नहीं है, इसीलिए मैं कहा जब भी हम रुकते हैं ऐसे कोई पक्के ठिकाने पे ही रुकते हैं आके, जहाँ खुद भी सेफ है और हमारी गाड़ी भी सेफ है। तो चलिए हम जाके खा लेते हैं, कुछ खाने के बाद सीधा ही सो जाएंगे, और अभी 2 बज रहे हैं भाई, अब देखो सुबह हमारे को 6 बजे उठना भी है, तो 3-3.5 घंटे सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं फिर आपको सुबह। The next morning. Hello जी, good morning. Good morning from चारोटी। भाई सो के उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए भाई, ऑलमोस्ट टाइम दिखाता हूँ आपको, लो 8 बजने को हो गए भाई, 6 बजे से उठ रहे हैं सुबह, लेकिन करते 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 देख रहे आप 8 ही बज गए निकलने भाई। अब निकलते हैं यहाँ से अपने सफर की ओर, और यहाँ ना गाड़ियाँ इतनी स्पीड से आती ना ऊपर से, यहाँ ढलान है देखना, कई भाई तो मेरे न्यूट्रल छोड़ दे, देखो शू करते निकल जाती है यहाँ से गाड़ियाँ, यहाँ तो रोड पार करने में भी दिक्कत आती है, देखो तो यहाँ टायरों की आवाज़ ही गूंजती रहती है कानों में बस, और कोई नहीं। बाकी गाड़ी वगैरह कर ली थी हमने स्टार्ट, मैं कहा निकलते भाई अब बहुत टाइम हो गया, चाय वाय पी ली है, चलो करते लेके प्रभु श्री राम जी का नाम आज अपने दिन के सफर की शुरुआत। अभी आगे हमारे को जाम भी मिलने वाला है क्योंकि आपको पता काम लगा है रोड का, जाम तो मिलेगा ही। और भिवंडी के लिए सोच रहे हूँ मैं, वहाँ चिंचोटी से जाऊँगा बस, सही विरार वाला रास्ता क्रॉस करके, चिंचोटी नहीं है वहाँ से जाएंगे लेफ्ट के लिए। तो चलो भाई पहले तो गाड़ी निकालते हैं यहाँ से बाहर, चलो रोड पर चढ़ाते हैं। भाई साहब जाम खुल ही नहीं रहा यार, बहुत लंबा जाम लग गया है मेरे हिसाब से, देख रहे आप लाइन है पूरी पैक के आगे तक, मैं तो आग इधर से ले आया था निकाल के गाड़ी साइड वाली लाइन से, बट इधर से भी तकड़ा ही जाम है लगा हुआ, चेक करो इस हिसाब से तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, मुश्किल लग रहा मेरे को कि भी 10 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, है तो सारा 80-82 किलोमीटर है लेकिन जाम ही नहीं खुल के दे रहा, अभी यहाँ भी जाम लगा है, इसके आगे भी एक जगह लगा हुआ जैसे गूगल मैप्स पे देख रहा था मैं, चलो देखते हो खुल जाए टाइम से तो निकल जाए, अभी तो लाइन ही नहीं इधर से खुल चल रही है ना, कोई भी नहीं, ना लास्ट ना फर्स्ट ना उधर वाली, चलो क्या ही कर सकते हैं भाई, बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर आराम से। पूरा ट्रक नहीं, और यहाँ आग लगी हुई थी यार गाइस, पता नहीं इसकी वजह से तो नहीं हुआ होना जाम, एक क्या पता क्या था। अभी तो देखो आगे भी लाइन बस था, यहाँ से आगे टर्न लेना हमने भाई राइट साइड के लिए, चलिए जी चलिए यार, माला वगैरह भी थी इधर यार, मेरा मन कर रहा था माला लेने के लिए,
चल आगे आगे देखते, भिवंडी में ले लेंगे माला यार, पहले चलते हैं। ये रोड ना इस जो दूसरा रोड था इससे भी थोड़ा टाइट है रास्ता ये। चला ना भाऊ चला, जाऊ दे आ पुड़े। थोड़ी 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 मराठी सीख रहा हूँ मैं अभी बोलनी। ऐसा ना पूछना जरूरी होता है क्यों? अबे नया रास्ता है यार, मैं आपको बता देता हूँ। हम जा रहे थे भिवंडी से 9-10 किलोमीटर पीछे से रास्ता दिखा रहा था एक राइट साइड को, ये अंजोर फट्टे वाले रास्ते पे हो जाएगा टच। तो रास्ता तो खैर सिंगल है, तो यहाँ एक पीछे था भाई, मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई गाड़ी जाती है? तो बोले भाई जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से हम तब नहीं जा रहे हैं भिवंडी में यार, जाम होगा पूरा, भिवंडी पार करके उतरना ऐसे भी हमारा माल, तो इसलिए हम इधर से जा रहे हैं। ये सिंगल रास्ता है 6 किलोमीटर का, ये जो चिंचोटी से आता है अंजूर फाटे के लिए रास्ता, उस पर मिल जाएंगे हम आगे जाके। आ जाओ भाई आ जाओ, टेंट ही नहीं करो भाई साहब, यकीन नहीं करोगे आप, हालत टाइट होगी भाई। एक बजने वाला, अभी भी नहीं पहुंचे हम लोकेशन पे, देख रहे आप सुबह के निकले हुए हैं, भाभी आगे भिवंडी में पहुंचे, बस रह गए हमारी लोकेशन 1.5 किलोमीटर है। देखो भाई जाम ने ऐसी तैसी कर दी आज, ट्रैफिक ही बहुत लगा, एक तो यहाँ मेट्रो का काम चला ना इसीलिए लग रही है ट्रैफिक। चलो तो फटाफट आपको जाके मिलता हूँ लोकेशन पे, जहाँ हमारी गाड़ी खाली होनी है। हाँ हाँ आंदे आंदे आंदे, कर ले सीधी कर ले, सीधा कर ले, बस ठीक है, ओके 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 ओके। लो जी गाइस पहुंच गए हम, यहाँ पर होएगा अपना माल खाली इस गोडाउन में। तो गाड़ी ले आए हम मोड़ के, पहले आगे ले गए थे ढूंढते ढूंढते, फिर भाई को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बताया कि भाई ये रबड़ वाला प्लांट है। और टाइम बताता हूँ आपको कितने बजे पहुँचे हम यहाँ, 1:05 पर पहुँचे। अब देख लो सुबह के निकले हुए हम 8 बजे के, देख लो कितना टाइम लग गया, आज पूरा दिन भर खज्जल खुआरी रही जाम की वजह से। अब मेरे को लग रहा है पहले ये गाड़ी उतरेगी, रबड़ की गाड़ी हो रही है अनलोड, उसके बाद ही होगी अपनी खाली, अभी तो आधी भी नहीं हुई। चलो क्या ही कर सकते हैं भाई, चलो तो मिलते हैं भाई अब बाद में। अब यहाँ खाने वगैरह का भी कुछ नहीं है, तो मेरे को लगता है जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा ऑनलाइन कुछ खाने के लिए। चलो मैं ना खाने का प्रबंध करता हूँ, और गर्मी इतनी हो गई है ना पूछो मत आप, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। आ जाओ कुलदीप भाई, खाने के लिए मंगाते हैं जोमेटो से, क्यों? थांबा। लो भाई खाना आ गया हमारा, ऑर्डर किया था भाई खाना हमने, भाई पहुंच गया खाना लेके, ले लो कुलदीप भाई। दीदी रिसीविंग सही है, 2 पे दी कि 3 पे? 3 है ना ये, 3 पे। चल सही है भाई, खाली करते करते अंधेरा हो गया, 7 बज गए अभी, आके हुई है हमारी गाड़ी खाली। तो अभी रिसीविंग वगैरह व्हाट्सएप करते हैं पार्टी को, और अब थोड़ी देर बाद फिर निकलेंगे यहाँ से भिवंडी से बाहर। अब बना रहे हैं लोडिंग का प्रोग्राम भी, कहाँ से भरनी है दोबारा, नासिक जाना है या चरोटी जाना है, वो सब करते हैं जरा फोन पे बात, कहाँ से माल भरना है हमारे को भाई। आज इस जाम को देख के ना, जिस हिसाब से हम सुबह से फंसे हुए हैं, दोबारा मन नहीं कर रहा है इधर को आने को, कसम से बोल रहे हैं, हम सुबह 8 बजे के बाद जाम में ही फंसे हुए हैं बस। तो जी गाइस यहाँ होटल पे आके रुक गए थे, अभी लगाते इधर साइड में गाड़ी, पूछते जरा गार्ड को कहाँ लगानी है गाड़ी। चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो लो जी भाई अभी आके लगा दी है गाड़ी साइड में, और ये होटल है यहाँ मनोर के पास, मनोर से जस्ट 1.5 किलोमीटर पहले है, ब्रिज से पहले है होटल। तो भाई आज का पूरा दिन इतना हेक्टिक रहा ना, पूरे हाथ पैर ऐसे फंसे हुए हैं ना, मतलब क्या बताऊँ आपको, काम ही नहीं कर रहे हैं।
तो अब सीधा जाएंगे, पहले खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे भाई, रात के 12:30 हो रहे हैं, 1 बज जाएगा मतलब सोते सोते भी। और एक चीज़ और देखना आप, जिस दिन हम घर से निकले हुए ना, 8 तारीख के हम घर से निकले, अभी तक हमने मतलब 8 घंटे की नींद तक नहीं है ली हुई। रोज़ मतलब अब इसको आप भगवान की कृपा कहें भी, रोज़ गाड़ी भर भी रही है, चले हुए हैं मतलब रूट में कंटिन्यू, अभी तक हम कंटिन्यू सोए हुए नहीं है। ऐसे कैसे सोता है बंदा, शाम को सोए और सवेरे उठ के आराम से ना, आधी रात को मतलब चले हुई है रूट में, रात को 1 बजे सो रहे, कभी 2 बजे और सवेरे 5-6 बजे उठ के, फिर अब सुबह 6 बजे फिर उठना है हमारे को, मतलब 5-6 घंटे अभी फिर सोएंगे। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को फिलहाल मैं यही एंड करता हूँ। अब यहाँ से आगे आपको लग जाएगा पता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और एक बात उन भाइयों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, कोई कनाडा में, कोई इंग्लैंड में, कोई कहाँ, भाइयों जो अपने ट्रक ड्राइवर है, बेशक उनकी ज़िंदगी भाई हर कुछ है बाहर, लेकिन ये मज़े नहीं है ना जो हम देखो ढाबे पे गाड़ी लगा के अपना मस्त होटल में जाएंगे, खाना खाने ऑर्डर करेंगे, वो सब चीज़ें भाई बाहर नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे भाई इस चीज़ को मिस बहुत करते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है तो भाई जरूर कमेंट करना इस बात को लेके। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना ख्याल रखना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।